सैनिक की कितनी ताकत, कांग्रेस की कितनी ताकत, औकात का पता चल जाएगा। इसके पास चूंकि 8 सालों से कॉरपोरेट के प्राइम मिनिस्टर हैं, या न तो किसान का प्राइम मिनिस्टर है, न तो महिलाओं का प्राइम मिनिस्टर है, न तो मजदूरों का प्राइम मिनिस्टर है। लॉकडाउन में 48 लाख लोगों को इसने मार दिया। कुछ दिन के बाद AIMM और बीजेपी की फिक्शन ने मोदी को रोकना होगा इन सब चीजों से। 10 दिनों तक पूरी दुनिया ने आलोचना की, कभी किसी के मां को गाली, कभी किसी के बाप को गाली, ये कमजोर लोग, कभी किसी धर्म और भगवान को गाली। और हमें तो आश्चर्य लगता है कि भगवान ने पूरी दुनिया को और इंसान को बनाया और हम सब भगवान को बचाने में लगे हैं। ट्रेडिंग क्या नजर नहीं आई? साल तोड़ जोड़ में लग गई, नौकरी में क्या हुआ? वन रैंक वन पेंशन क्या हुआ? नो रैंक एंड नो पेंशन। बिपिन रावत एक पत्रकार पूछ के कहां गायब हो गए? बिपिन रावत का क्या हुआ? बिपिन रावत की सब के जांच होनी चाहिए, वो मरे या मरवाए। उन्होंने तो सैनिक के उम्र के बारे में कहा था कि उसको बढ़ाया जाए। नवाज सिंह ने क्या कहा? परमवीर चक्र, उसने कहा कि एक गलत लॉ है। 18 साल का चंद्रजीत यादव ने क्या कहा? परमवीर चक्र। जब किसान ने कहा तो इन्होंने कहा था एमएसपी सही है और वापस लिया। जब कोरोना आई तो ताली थाली बजवा रहे थे, बाद में ये बोला गलत था। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी का, जा सच बता दो, सबसे पहली बात रामदेव, रविशंकर जी और मोदी जी ने ट्वीट किया था डॉलर का 40 रुपया। यदि हिम्मत है नरेंद्र मोदी को तो बताए डॉलर का 80 रुपया से नीचे आज तक क्यों नहीं हुआ?